ओम सुमुखश्चै गदन्तश्च कपिलो गजकर्णगा लंबोदरश्च विष्टो विघ्ननाशो विनायका तुम्रगे दुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशे तानि नामानि आपणे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की आचार्यवाणी में। मीन राशि वालों की हम बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए सितंबर का आरंभ काल ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, सितंबर का जो महीना है, विशेष तौर पर भाद्रपद मास का महीना और आश्विन का महीना रहेगा, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय कई प्रकार के कर्मों को करने का है, कई भारों को उतारने का है, कई शुभ योग को लेकर आता दिखाई दे रहा है। सोमवती अमावस्या का सुंदर योग भी इसमें बनेगा, साथ साथ ग्रह नक्षत्रों की चाल भी परिवर्तन के योग बनेंगे। इसके साथ साथ आपकी यदि राशि में बात करें मीन राशि वालों के लिए, तो ऐसे में आपके केंद्र के जो दो भाव हैं जिसमें उनके स्वामी बुध हैं, वो भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये परिवर्तन का योग बड़ा विचित्र बनता दिखाई दे रहा है। बुध का ये परिवर्तन छठे भाव में जाना आपकी राशि के अनुसार से कुछ खास हिदायतों को आपको सम्मुख रखने का प्रयास करता है, तो वो सब हम आपको बताएंगे। उन सबको समझते हुए कार्य कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिलसिलेवार समझें कि पहले बात करते हैं 1 सितंबर की, रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है। आपके ग्रह योग इस दिन के लिए ऐसे बन रहे हैं कि जो आप करेंगे ना, जो आपके बारे में कोई नेगेटिव सोचेगा तो वो भी अपने अपने नुकसान को कराएगा। इसलिए आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें, आपके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। किसी बहुत ज़्यादा प्रपंच में फंसने की ज़रूरत नहीं है, अपनी चाल में मस्त चल रहे थे। हाथी चल बाजार में, तो उस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात को समझें कि इस दिन भद्रा है, करीब करीब नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। पूरे दिन ही भद्रा रहेगी, करीब करीब शाम को 4:30 बजे तक। ये भद्रा का दोष बड़ा विचित्र होता है, और विशेष तौर पर कहा जाता है कि इसमें कोई कार्य आरंभ कर दो तो उसमें विघ्न आगे आने वाले समय में पीछे नहीं छोड़ते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और ऐसे समय में किया हुआ कार्य का को आरंभ करना तो कहा जाता है कि फिर वो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है, तो इससे बचना चाहिए। नए कार्यों को, बड़े कार्यों को करने से बचना चाहिए। अश्लेष और मघा नक्षत्र भी बन रहे हैं इस दिन, विशेष तौर पर जो एक दिन पहले से आरंभ हो गए थे और 2 तारीख तक रहेंगे, तो ऐसे में जो नक्षत्र में जन्म ले रहे हैं बच्चे नए, उनके मूल शांति अवश्य तुरंत कराने का उनके माता पिता को प्रयास करना चाहिए, नहीं तो फिर बेकार पूरे परिवार और जीवन में, बच्चे के जीवन में कष्ट होने के योग बनते रहते हैं। जिन्होंने पहले इनके जन्म हुआ है इसमें और उन्होंने नहीं कराई है मूल शांति, उनको भी करा लेनी चाहिए। 27 दिन तक मूल मंत्र का जप 1000-1000 रोज नित्य प्रति कर आप इस भयावह कष्ट से दूर हो सकते हैं। 2 तारीख की हम बात करें, अद्भुत दिवस, बहुत अद्भुत दिवस है, बहुत सुंदर योग है, और ये वो काल है कि ये योग है कि जिसको बहुत लोगों ने अपने जीवन में सोचा कि हमको प्राप्त हो जाए, लेकिन नहीं आया। इस कलयुग के अंदर बार बार वो योग बनता है, लोग इसकी महत्ता को नहीं समझते हैं। सोमवती अमावस्या, उस दिन सोमवार है और साथ साथ अमावस्या है जो पूरे दिन विद्यमान रहने वाली है, सूर्य उदय से लेकर अगले दिन तक भी चलने वाली है, तो सोमवती अमावस्या का सुंदर योग बन रहा है और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग है। चंद्रमा परिवर्तन करके सिंह राशि छठे भाव में चले गए हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ी वीकनेस शरीर में रहती दिखाई देगी, अननेसेसरी का थोड़ा उबाऊपन, मौसम भी थोड़ा वीक होता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के अनुसार से। पुण्य कार्य करें, सेवा भाव करने का प्रयास करें, शंकर की उपासना करने का प्रयास करें, दान पुण्य तर्पण पितरों के निमित्त कुछ करने का प्रयास करें। ये बहुत सुंदर दिवस है, पुण्य जगाएं, कष्ट को भगाएं, ये अच्छा उपाय अवश्य करके कष्ट को दूर कर सकते। शास्त्र में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन तीर्थ में जाके स्नान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। ये एक ऐसा भार है जो पता नहीं कब कब फिर जीवन में कष्ट करने के योग बनाता रहता है, और अज्ञानता में लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारा ग्रह भी सब ठीक चल रहा है, समय भी ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी हम तरक्की क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ये पितरों का जो दोष ऋण होता है वही कारण होता है, तो ये योग उससे सब प्रकार से निवृत्ति का योग देगा आपको, अवश्य करेगा, इसका लाभ लीजिएगा। 3 तारीख की हम बात करें, मंगलवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन भी विद्यमान है, करीब करीब 3 घड़ी तक रहेगी, करीब करीब यानी करीब करीब आप ये मान के चलें कि 1.5 घंटे के आसपास का योग है सूर्योदय के बाद से, तो उस दिन अमावस्या, मंगलवार और अमावस्या का योग भी बन गया है। और इन दिनों मंगल बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं आपके, ये मंगल जो है ना थोड़ा सा आपको एकाकी भाव, दुनिया को सीख देने का प्रयास कर रहे हैं आप, लेकिन खुद अपनी अच्छी बातों को, जो सही बातें हैं उन पर अमल नहीं कर रहे हैं, ऐसा योग बना रहे हैं। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, बहुत विशेष वीडियो था, लोगों ने शायद सुना नहीं, कुछ कुल ने सुना नहीं होगा, तो जाकर जिन्होंने आप देख रहे हैं वो सुन सकते हैं जाकर। हमारा एक वीडियो था जिसमें मंगल परिवर्तन का योग बना रहे थे, करीब करीब 26
अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है सुनने वाला, क्योंकि मंगल जो परिवर्तन का योग बनकर आपकी राशि के अनुसार से बने हुए हैं, यहाँ पर ये विशेष दुख दे रहे कि अकेला चना भाड़ नहीं पूछता, आप थोड़े ओवर विशेष तौर पर रिएक्टिव हो जाएंगे इन दिनों, अकेला चलने के सब काम करने के, मैं कर लेता हूँ अकेला, सब कुछ कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, और अपने अड़ियल पने के कारण से, अड़ियल स्वभाव के कारण, गलत नहीं होगा, सत्य को बिल्कुल अनुसरण करना चाहिए, आप अपने धर्म से अड़िग रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, सत्य जो है अपनी गर्दन भी कटवा देता है, ऐसा जो अपन जो विशेष तौर पर अपने हमारे सिद्धांत होते हैं, बहुत ज़्यादा सिद्धांत अड़ियल बन जाते हैं, तो ऐसा ध्यान रखिएगा, ये करीब करीब कुछ दिन का समय है, तो सावधानी के साथ समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें, मंगल का उपाय बहुत ज़रूरी है, हनुमान जी का स्तवन करें, मंगलवार का दिन भी है, अमावस्या की तिथि भी है, तो एक घड़ी में ही लाभ के योग बन सकते हैं, कहा गया ना तुलसी बाबा ने, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध, हमने भी इस महत्व को मुहूर्त को समझते हुए विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है, जो शाम को रहेगा करीब करीब 6 बजे से यज्ञ के साथ, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, समामनी का भोग भी रहेगा, हनुमान जी का पूजन रहेगा, चोला चढ़ेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, आप भी अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन नंबर जो है उन पर संपर्क साध सकते हैं। 4 तारीख की बात कर लेते हैं, 4 सितंबर की, और राशि जो है हम 4 मीन के बारे में बात कर ही रहे हैं, बुधवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है इस दिन, भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है, चंद्रमा जो है परिवर्तित होकर आपके 7th भाव में जा रहे हैं, और बुध परिवर्तित होकर 11 बज के करीब करीब 20-22 मिनट पर वो आपके 6th भाव में जा रहे हैं, ये परिवर्तन बहुत विशेष रहेगा, एक तो उत्साह का उदन करेगा, लेकिन साथ साथ दूसरा परिवर्तन जो है थोड़ा पकड़ भी बनाएगा आपको, बने बनाए काम पर लात मारने के योग बन सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करें, कुछ दिन अभी आपको बहुत ज़्यादा, एक तो मंगल चतुर्थ में चल रहा है, बुध महाराज 6th भाव में चल रहे हैं, और साथ में बाकी ग्रहों का युवा योग जो है गुस्सा आपका 6th आसमान पर चल रहा है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें भैया, बहुत जल्दी गुस्सा होकर बने बनाए काम पर लात मार के आ जाएंगे, कई बार ये योग आने वाले 20-25 दिन तक परेशान करेगा, नहीं तो ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है इसका उपाय करना, बहुत ज़रूरी है, देखिए कई बार होता है ना कि बाद में हम विचार करते हैं, ज्योतिष यही बात समझाने का प्रयास करता है कि इन दिनों ग्रह नक्षत्रों का योग जो आपके लिए बन रहा है इस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, एक इस दिन एक और बहुत सुंदर योग बन रहा है जिसका पूरे साल इंतज़ार किया जाता है, और वो है भाद्रपद मास की द्वितीया के दिन चंद्र दर्शन का, थोड़ी देर के लिए चांद उदय होता है, और कहा जाता है कि इस चांद को यदि देख लें तो कीर्ति का योग बन जाता है, सफलता का योग बन जाता है, आपके ओरा के अंदर एक नई कांति प्राप्त हो जाती है, जो कोई आपके जीवन में, हम कई बार काम कर रहे होते हैं अननेसेसरी, हमने कोई दोष किया भी नहीं, गलत किया भी नहीं, फिर भी हमारे माथे पर वो कलंक का टीका लग जाता है, उस कलंक से बचने के लिए चांद है, अवश्य दर्शन कीजिएगा इस दिन चांद को, चांद दर्शन करने के बाद यानी 4 तारीख की शाम को जो चांद उदय होगा ना, वो कलंक से आपकी रक्षा कवच की तरह काम करने का प्रयास करेगा, और आपके जो दोष हैं उनको भी हरेगा, ये बहुत सुंदर चांद है, इसका दर्शन अवश्य करना चाहिए, कहा जाता है कि 4th के चांद से 2 दिन पहले जो भाद्रपद मास के 4th का चांद होता है वो कलंक लगाता है, और ये चांद दोष से निवृत्ति देता है, तो गलती से अगर उस दिन चांद का दर्शन हो गया तो उससे पहले यदि दूज का चांद देख रखा हो तो कहा जाता है उसका दोष नहीं लगता है, तो अवश्य इस चांद को देख लीजिएगा, और माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद गौ पूजन करके यदि आपने पूर्ण कार्य कर लिया तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 5 तारीख की हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीय तिथि इस दिन विद्यमान है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से जो योग बन रहा है वो आपके लिए अच्छा बन रहा है, तरक्की देने के योग बनाएगा, लाभ के योग बनाएगा, ग्रह नक्षत्र बिल्कुल लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन बस क्रोध को कंट्रोल करना है आपको, अननेसेसरी क्रोध से बचना है, इसलिए आवश्यकता है कि दुर्गा जी की आराधना करें, इन दिनों खास तौर पर आपके ग्रह योग दिखा रहे हैं, और हमने मीन राशि वालों को कई बार बताया भी है, अवश्य दुर्गा पूजा करें, नित्यपति पूजा करें, भगवती के मंत्र से, भगवती के स्तवन से, भगवती के यज्ञ से आपकी किस्मत जाग सकती है, ये वर्ष 12 वर्ष बाद ऐसा योग आपके लिए बन के आया है मीन राशि वालों, और इस समय को लात मत मारिएगा, बिल्कुल ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, नवरात्र आ रहे हैं, अपने लिए दुर्गा पूजा, दुर्गा यज्ञ, मैं तो कहूँगा नित्यपति करें, ये वर्ष 12 वर्ष बाद ऐसा समय आपके लिए आया है, तो ऐसे में यदि इस वर्ष को आप चाहते हैं, अभी तो टाइम आधा साल निकला है और अभी मई तक ये यहीं ऐसे ही योग बनने वाला है, तो ऐसे में नित्यपति दुर्गा पूजा, ऐसे में नित्यपति दुर्गा जी का यज्ञ करिए, करवाइए और चमत्कार देख लीजिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाई चांस ये योग दिखाई देगा हमको, इसलिए हमने आपको बता दिया मीन राशि वालों, नहीं तो फिर भूल जाओगे, निकल जाएगी समय बात। बात कर लेते हैं 6 सितंबर की, शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें आपके लिए योग बड़ा अच्छा बना हुआ है,
कार्यों में तरक्की करने का अवसर मिलेगा, लेकिन केवल अपनी अपनी ना चलाएं, शांति के साथ सबको साथ लेके चलें। अकेला चना भाड़ नहीं भूजता, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कई बार क्या होता है कि हम अपनी अपनी ढांकते रहते हैं, लोगों की संसार की सुनते नहीं है, तब निश्चित तौर पर कष्ट में फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। वराह जयंती है इस दिन, शुक्रवार के दिन वराह जयंती का सुंदर योग बन रहा है। भगवान शालिग्राम जी का सुंदर पूजन करें, थोड़ा चरणामृत उनका ग्रहण करें। कहा गया है ना, अकाल मृत्यु वर्णम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये भगवान नारायण की स्तवन करने के बाद, पूजन करने के, उनका चरणामृत करने से इतनी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सोचिए कितनी बड़ी वाक्य बात लिखी है, लोग विश्वास नहीं करते हैं लेकिन सत्य है बिल्कुल। इसको करना चाहिए, भगवान का पूजन करने के बाद जो उनका चरणामृत मिला उसको एक आचमनी में लेकर फिर बड़ी श्रद्धा के साथ जो ग्रहण करते हैं उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्र में वर्णित रवि योग नाम का योग बन रहा है जो नए कार्यों का आरंभ करने के लिए अच्छा अवसर दे रहा है। करीब 9:24 से आरंभ होगा और रात शाम तक विद्यमान रहेगा। 7 तारीख का अवसर शनिवार है, उस दिन चतुर्थी तिथि है और शनिवार और चतुर्थी का योग बड़ा अद्भुत माना जाता है। गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश का जन्मदिवस है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्र थोड़े परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चले गए हैं, थोड़ा मन को ऐसा दिखेगा, थोड़ा बंधन मन महसूस करता दिखाई देगा। कई कार्यों में लगेगा थोड़ा सा पता नहीं क्या, मन ही नहीं करेगा काम, बहुत ढीले ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी कमजोरी, टांगों में दिक्कत, कई प्रकार की समस्याएं आपके साथ होती दिखाई दे रही है। संसार से विरक्तता मन में भाव दिखाई देगा, लेकिन सुंदर अवसर है। शनिवार और चतुर्थी का योग है, गणेश चतुर्थी का योग है, खास योग है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर यदि शनि को अनुकूल कर लें, आपके शनि इंद्रों वैसे ही 12वें भाव में बैठकर स्वग्रही होकर वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं, जो थोड़ा सा ढीला चल रहा है, तो ऐसे में उसको ठीक करने का समय है। शनिवार के दिन चतुर्थी का है तो विशेष तौर पर गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें। यह बहुत सुंदर उपाय है, शास्त्र में वर्णित। महाराष्ट्र में जाएंगे तो आप बहुत सारे देखेंगे गणेश जी की मंदिर मूर्ति पर भी, जैसे हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ता है, ऐसा गणेश जी की मूर्ति पर भी चढ़ता है सिंदूर। और इस बात का ध्यान रखें कि कारण है उसका। कहा जाता है कि शनि जब गणेश जी का दर्शन करने गए, जब गणेश जी की उत्पत्ति होने पर सब देवता दर्शन करने जा रहे थे, शनि भी पहुंचते हैं, लेकिन शनि दृष्टि नहीं डाल रहे थे। कहा जाता है रो पड़े भगवान के समक्ष जाकर। भगवान ने पूछा क्यों रोते हो शनि? तो कहा महाराज मेरी दृष्टि का दोष है, मैं जिस पर भी दृष्टि डालता हूँ उसका क्षय हो जाता है। तो भगवान के कहने पर उन्होंने, भगवान ने शांत किया शनि को, फिर दृष्टि डाली। कहा जाता है उसी दृष्टि दोष के कारण से आगे घटना घटी और भगवान का सिर जो था गज का सिर भगवान को लगाना पड़ा। तो कहा जाता है कि ये शनि का दोष है और शनि उसके प्राश्चित के तौर पर कहा जाता है कि जो हनुमान जो उनको सिंदूर चढ़ाते हैं गणेश जी को, भगवान शनि उन पर कभी कष्ट नहीं देते। तो इसलिए इस सुंदर योग पर ये उपाय भी अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि शनि इन दिनों आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से 7:30 का योग बन रहा है, ये अवश्य उपाय कीजिएगा। देखिए बड़ा सुंदर है, बहुत सारे लोग बताते नहीं इस उपाय को, हमने आपको बताया कष्ट निवृत्ति करने के लिए ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। एक बात और, कलंक चतुर्थी है इस दिन, चंद्र दर्शन का दोष है। भगवान कृष्ण ने भी दर्शन कर लिया था, शास्त्र कहता है चौथ का चांद को जैसे त्याग देना चाहिए उसी तरह से बहुत सारे कलंक के कार्यों से बच जाते हैं। नहीं कई बार क्या हो, गलती से मत्थे भी लग जाता है चांद, हमने गाड़ी का हल्का सा इधर देखा उधर देखा और बाई चांस दिखाई दे गया चांद, बस सोच लीजिए। कई बार आपको बहुत आपने देखा होगा कि कुछ गलत नहीं किया फिर भी कोई माथे पे लग गया कलंक। और इन दिनों ग्रह नक्षत्र आपके चल भी ऐसे रहे हैं जो राहु आपके चल रहे हैं पूरी तरह से और लग्न में जो अननेसेसरी डार्कनेस दे रहे हैं, अननेसेसरी कलंक लगवा रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो चांद दर्शन बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो कष्ट हो जाएगा। और गलती से यदि देख लिया है तो शाम को ये कथा जो हमें बताने जा रहे हैं आपको, उसको सुन लीजिएगा। भगवान कृष्ण की कथा है सत्यजीत प्रसेन की और सत्राजीत की प्रसेन की, ये अवश्य सुनकर उस दोष से भी निवृत्त हो सकते हैं। शास्त्र में देखिए हर तरह का रास्ता बताया गया है, तो आपको शास्त्र पुराण कहीं बीच में नहीं छोड़ते हैं, समझ लीजिए उससे भी लाभ मिलेगा। तो भारतीय संस्कृति में आप समझें कि जितनी भी बातें वर्णित की गई हैं वो कहीं ना कहीं पौराणिक मतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया और पौराणिक मत के अनुसार से उस कथा का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब भगवान कृष्ण ने भी चौथ के चांद को देखा था, उन पर भी एक चोरी का दोष लगा, जो कथा बड़ी प्रचलित है शास्त्र के अनुसार से। और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं और हम सब लोग भी कई बार गलती से उस चांद के दर्शन हो जाते हैं, चौथ के चांद के दर्शन। शास्त्र कहता है कि चौथ का चांद बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जीवन में कलंक लगने के अवसर बन जाते हैं। जैसा हमने कहा भगवान कृष्ण ने भी दर्शन किया और वो भी नहीं बच पाए उस कलंक से,
शास्त्र में कथा आती है। अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है? एक तो बड़ा बढ़िया तरीका यह है कि दूज के चांद को देख लिया जाए। इसी महीने में जो दूज का चांद दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से फिर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। एक कथा और है, अब चंद दर्शन कर लिया, दूज का चांद देखा नहीं था, तो क्या करें? शास्त्र में कथा आई है कि सत्यजीत की जो कथा है, उपसेन की जो कथा है, और भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो मणि चुराने की जो बात है, उसकी कथा को श्रवण कर लेने से भी ये दोष से निवृत्त हो जाता है। यदि गलती से आपने भी वो देख लिया है तो आप भी इस कथा का श्रवण कर लीजिए। हम छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताते हैं आपको। शास्त्र में जो वर्णित है, एक सम्यंतक मणि थी, बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि उसका इतना दिव्य प्रभाव था कि वो मणि विशेष तौर पर प्रतिदिन अद्भुत रूप से स्वर्ण उससे निकलता था। मणि का इतना सुंदर प्रभाव था। कहा जाता है कि एक दिन सत्यजीत, जो भगवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, भगवान का सखा था, उसने बड़े दिव्य रूप से, कहा जाता है सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सम्यंतक मणि, दिव्य मणि वहाँ से प्राप्त करी। और उस मणि का बड़ी अद्भुत प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि 8 भार का सोना, जितने मणि थी उससे 8 गुना ज़्यादा भार का सोना प्रतिदिन वो जो मणि थी वो देती थी, और उससे जनमानस की सेवा करने का सुंदर अवसर लोगों को प्राप्त होता था। कहा जाता है जब उसने प्राप्त किया तो भगवान कृष्ण को ही पता चला, तो भगवान कृष्ण ने सत्यजीत से कहा कि हे मित्र, इस मणि को तुम राजा को दे दो, और राजा को देने के बाद उग्रसेन महाराज को दोगे तो राज्य के काम आएगी ये मणि। तो कहा जाता है सत्यजीत ने मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये सब निधियाँ जो हैं वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए होनी चाहिए और उसी से कार्य किया जाना चाहिए, केवल स्वांता सुखाए के लिए नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक दिन सत्यजीत का जो भाई था, सत्यजीत जो जिसको कहा जाता है जिसका नाम प्रसेन था, वो एक दिन मणि को गले में लटकाकर वन में चला गया, और कहा जाता है अखेट के दृष्टिकोण से, और उस मणि के कारण से कहा जाता है कि वो सिंह से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला और शेर उस प्रसेन को खा गया। और कई दिन तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्यजीत ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भगवान कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। सत्यजीत के इस आरोप से भगवान को सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद कहा था, भगवान कृष्ण स्वयं इस मणि को चाहते थे और जब मैंने नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। और जब भगवान पर ये कलंक लगा, क्योंकि चतुर्थी का चांद था, ये कहीं भी निषेध नहीं हो सकता है। आपके जीवन में भी कई बार घटना घट जाती है, आपने कुछ किया नहीं है, फिर भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं गलती से कई बार चांद देख लेते हैं, तो ये तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है। तो उस पर आपकी दोषारोप मिथ्या दोषारोपण हो जाता है। भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ, जहाँ जहाँ वो सत्यजीत के पैरों के चिन्ह थे उसको ढूंढते हुए वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पास में ही एक सिंह मरा हुआ है, और पास में देखते हैं कि एक गुफा भी है और वहाँ पर प्रकाश आ रहा है और वहीं भालू के बच्चे खेल रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण को सब समझ में आ जाता है कि सत्यजीत वहाँ मरा पड़ा है और साथ में सिंह मरा पड़ा है, तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहाँ उस मणि से खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जामवंत उपस्थित होते हैं। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाते, कई दिन तक भगवान का युद्ध चलता है, और उसके बाद जब जामवंत भगवान को पहचानते हैं और हार जाते हैं जामवंत भगवान से, तब कहा जाता है कि अपनी पुत्री को का विवाह भी भगवान को समर्पित कर देते हैं और मणि भी दे देते हैं भगवान को। वो मणि लाकर वापस वो सत्यजीत को देते हैं और पूरा आख्यान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेन को सिंह खा गया और सिंह को जामवंत ने मार दिया, जिस प्रकार से सत्यजीत को पूरी बात समझ में आती है। और वो फिर इस प्रकार की कथा, कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने से इस पूरे जो मिथ्या दोष लगने के योग बन जाते हैं वो दोष नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चांद को देखें ही ना, उसे बचने के, इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो कथा व्यवस्था ऐसी बताई जाती हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये बताया जाता था, बहुत पुरानी कथा, कि इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समय पे बाहर, जिससे कोई निकले ही ना। ये सत्य मान लीजिए दोष लगता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहित नहीं भी करना चाहें तब भी वो कलंक मिथ्या रूप लग जाता है। तो उससे बचने के अनेक रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं, तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं भगवान आपकी रक्षा भी करने के योग बना देते हैं। तो मीन राशि वालों, 8 तारीख का बात भी समझ लीजिए, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। रविवार का अवसर, पंचमी तिथि उस दिन है और ग्रह नक्षत्रों में राहु का परिवर्तन का योग बन रहा है। राहु महाराज परिवर्तित होकर जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं उत्तराभाद्र के तृतीय चरण पर, और हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण पे चले जाएंगे केतु। ये परिवर्तन जो बहुत विशेष है, इन दिनों राहु लग्न में, केतु सप्तम में चल रहे हैं और ये आपके लिए थोड़ा सा अननेसेसरी कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो नित्यपति राहु का मंत्र जप करें, हो सके तो विशेष तौर पर
राहु का मंत्र जब तो अवश्य करना चाहिए, थोड़ा बिल्ली को दूध डाल दिया कीजिए, ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो परिवर्तन है राहु का ठीक नहीं है। भगवान शंकर का भस्माभिषेक करना भी इसका उपाय बताया जाता है कि राहु लग्न में चल रहा हो तो अननेसेसरी सब कुछ होते हुए भी अभाव, और इस वक्त वैसे ही आपकी सरस्वती का पदार्पण हो रहा है, तो सोच सोच कर पुक पुक के काम करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा तभी आपके लिए। 9 तारीख के दिन बात करें तो सोमवार का अवसर षष्ठी तिथि उस दिन है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बनेगा, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनाएगा, लाभ का योग बनाएगा, लेकिन थोड़ा चंद्रमा को प्रबल करना पड़ेगा। चंद्रमा थोड़ी प्रबल करने की जरूरत इसलिए क्योंकि भाग्य में तो चले गए हैं चंद्रमा, बृहस्पति के सम्मुख हो गए हैं, लेकिन चंद्रमा वृश्चिक में जाके क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो सोमवार का अवसर भी है, कोशिश करें दूध का दान करें, हो सके तो थोड़ा दूध से भगवान सूर्य का अभिषेक करें, क्योंकि सूर्य षष्ठी भी है, बलदाऊ छठ भी है, छोटे बच्चों को दूध का दान करना भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण भी होगा इस दिन, उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का आप लाभ ले सकते हैं नए कार्यों का आरंभ करने के लिए। 10 तारीख मंगलवार सप्तमी तिथि और ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए ओवरऑल अनुकूल बना हुआ है, हिम्मत करें, बहुत सारी चीज़ें आपके बल में आती दिखाई दे रही हैं, सामर्थ्य से बहुत सारी चीज़ों का लाभ मिल सकता है, हनुमान जी का स्तवन करें, अच्छा रहेगा ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र है, इन सब प्रभावों को हमें समझना चाहिए। पंचांग के दृष्टिकोण से जो तिथि मुहूर्त वार इत्यादि सब आते हैं ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्व विशेष रखते हैं, और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से भारतीय ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर, वेद के साथ जोड़कर, उपनिषदों के साथ जोड़कर उनका संबंध स्थापित किया, चाहे वो कोई जयंती आ रही है, चाहे कोई उत्सव आ रहा है, इन सब को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है, पंचांग के साथ ज्योतिष को वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्योतिष को यदि कहा जाता है कि वेद का अंग है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को ऐसे उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। समस्त ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की जो कथाओं के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है पुराणों इत्यादियों में, वो मुझको और आपको समझाने के लिए ही किया जा रहा है, और इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के रहस्य समझ में आते हैं, और साथ साथ वो उसका निवारण करने का मार्ग भी मिलता है। जो प्राकालों में जो स्थितियाँ घटनी, ग्रह नक्षत्रों के योग बने, उससे संकट उत्पन्न हुए, जैसे इस एपिसोड के अंदर हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लग गया था, और कैसे उससे उन्होंने बचा, और कैसे मैं और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, तो इन सब उपायों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए पुराणों को अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ भारतीय संस्कृति का परम वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सकें, और अनेक उपायों को हम पौराणिक मत से ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जो शास्त्र में वर्णित उपाय है ना, वो ऐसे दिव्य हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हम फंस जाते हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में, कोई आपको अंगूठी पहनाने के चक्कर में फंसा देता है, कोई कुछ और करने के चक्कर में फंसा देता है, तो प्रयास करें ज्योतिष को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ज्योतिष बहुत सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता के रूप में उपस्थित करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें। देखिए पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन में कि हम आए थे इस लक्ष्य को, यानी इस पूरा जीवन की जो पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। हम आए किस कार्य के लिए, उस परमात्मा को साधने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन इस संसार की माया में उपस्थित होकर यहीं क्यों फंस जाते हैं और उस वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज्योतिष को इस बात से समझने का प्रयास करें, कष्ट भी निवारण हो, जीवन में सुख का पदार्पण भी हो, और साथ साथ और जो कष्टों को दूर करने के लिए जो उपाय हो वो शास्त्रोक्त हो, जो कहीं मति भ्रम ना उत्पन्न करें। लेकिन आज ऐसे ऐसे उपाय जिनको सुनकर भी शर्म आ जाए, लोग ऐसी उपाय करने का प्रयास करते हैं, कथाओं को इस तरह से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन ज्योतिष की विभिन्न विधाओं को आपके समक्ष उपस्थित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन सबको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, और अभी आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरम्भ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत हैं, उनको यदि जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहता है तो इन महालक्ष्मी व्रतों को जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, उन विधानों को समझकर यदि आपने महालक्ष्मी के उस व्रत को विधि रूप से कर मुख्य मंत्र जप करके कर लिया, तो आप समझिएगा जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण का अवसर, आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मुहूर्त पंचांग जो बताता है ना, वो मुहूर्त बताता है, और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का, पुण्यों को उदय करने का वो एक सरल मार्ग है, जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और यदि
हमने कष्टों को बहुत जल्दी भगाने कर दिए, जो अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए रास्ता उस मुहूर्त के अनुसार से पंचांग के दृष्टिकोण से ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए अपना लिया, तो आप समझ लें जीवन के कष्ट बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं। बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं, और ये विवेकानंद योग आश्रम तो लगातार आप सबके लिए विभिन्न कार्य कर ही रहा है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है आश्रम पर, विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से चलते रहते हैं, और अभी श्राद्ध भी आएंगे, उन श्राद्धों के अवसर पर आप अपने पितरों से के कष्टों से निवृत्त करने के लिए, पितरों के निमित्त अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए विभिन्न यज्ञ इत्यादि, विभिन्न आपके जीवन में जन्मोत्सव चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन्न पुण्य कार्य आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं, और आश्रम के संपर्क के नंबर जो नीचे दिए गए हैं उन सब पर जुड़कर आप हर रविवार को होने वाले यज्ञ में भी आश्रम में पधार सकते हैं, जो सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आशा करते हैं आप सब आश्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।